5 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन के प्रातःकालीन सत्र में आज हम लोग बहुत ही निष्ठा श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे ग्रामवासी खास करके छोटे छोटे बच्चे इस गांव में ज़्यादा ही उत्साहित हैं और ऊर्जावान हैं और योग प्राणायाम के प्रति गहरी निष्ठा श्रद्धा रखते हुए इस काली मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन आ रहे हैं। आज मंच पर विराजमान दो दिव्य आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। परिचय के तौर पर मैं हमारे दाहिनी तरफ में बैठे आदरणीय उमा शंकर जी, जिनको मैं नमन वंदन करता हूँ, और ये भोजपुर जिला किसान सेवा समिति के भोजपुर जिले के जिला के प्रभारी हैं और इन्होंने पूरे जीवन को योग के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भोजपुर जिले के एक एक व्यक्ति को, एक एक गांव को कैसे हम योगी बनाएं, कैसे हम निरोगी बनाएं और कैसे लोग योग करते करते अपने आप को कब निरामय बन जाएं, कब योगी बन जाएं ये पता न चले। तो आदरणीय उमा शंकर जी का बहुत ही गहरा लगाव है योग के प्रति और ये बहुत बार परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ में सानिध्य में योग शिविरों में भाग लेकर के और अपने भीतर योगत्व को धारण करके एक व्रत के रूप में, एक आराधना के रूप में, एक पूजा के रूप में इन्होंने योग को पूरे जिले में प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। हमारे बाईं तरफ बैठे आदरणीय आदर्श योग शिक्षक और भोजपुर जिला का जो प्रखंड हमारा है अज्ञाव प्रखंड, उस अज्ञाव प्रखंड के भारत स्वाभिमान के ये प्रखंड प्रभारी हैं और इन्होंने भी हरिद्वार जाकर के परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में योग का आनंद लिया है, योग का प्रशिक्षण लिया है और इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और आप सभी दिव्य आत्माएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मैं एक बार प्रणाम करता हूँ कि आप इतने धन्य हैं, आप इतने पुण्यशाली हैं, आप इतने गौरवशाली हैं कि आप अपने पूर्वजों के इस विराट विरासत को, धरोहर को, जहाँ चारों तरफ इस कलयुग में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं व्याभिचार हो रहा है, चारों तरफ संस्कार का क्षरण हो रहा है, संस्कृति हमारी धूमिल हो रही है, वैसे विकट परिस्थितियों में भी एक एक व्यक्ति को योग के शिविरों में आना हम सबके लिए बहुत ही आनंदित और गौरवान्वित करने का विषय है। तो आइए हम सभी बैठे ध्यान मुद्रा में और अंगूठा तर्जनी का अग्रभाग को मिला के आंख बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र का, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाएं लाइन में कतार में। एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम सतो मा सतो
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप सभी देवी आत्माओं के बाद पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम अपने धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे और हम चाहेंगे कि अनुलोम विलोम का अभ्यास हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय उमा शंकर जी, जो हमारे भोजपुर जिला किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं और इनके प्रखर ओजस्वी और तेजमयी जो सेवा है उससे पूरा जिला लाभ ले रहा है, और हम चाहेंगे कि इनके माध्यम से अनुलोम विलोम का अभ्यास हम सभी प्रारंभ करेंगे और पूरा ये कार्यक्रम जो कैमरे में कैद हो रहा है आप इसे पूरा जीवन आप जैसे ही गूगल में आप सर्च करेंगे योग शिविर रन्नी भोजपुर बिहार तो आप जीवन भर इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आंखों देखा हाल। तो आइए चलते हैं हम जिला प्रभारी के पास। सबसे पहले दाहिने हाथ को उठाएं और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रख दिया जाए, ठीक। नाक रख करके बाया नाक से सांस को भरते हैं, 2.5 सेकेंड में सांस को लेना है और 2.5 सेकेंड में सांस को छोड़ना है, दाहिने नाक से छोड़ देना है, ठीक है। पुनः दाहिने नाक से सांस को लेते हैं और बाया नाक से सांस को छोड़ देते हैं। बाया नाक को से सांस लेते हैं तो ठंडा सांस लेते हैं हम, दाहिना नाक से छोड़ देते हैं, दाहिना नाक से गर्म सांस हमारे अंदर में प्रवेश होता है। हम इनको इंगला और पिंगला के नाम से भी जानते हैं, इंगला और पिंगला। बाया नाक से जो सांस लेते हैं इंगला और दाहिने नाक से जो सांस लेते हैं पिंगला, ये हम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इस तरीके से हम इस प्राणायाम को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। इससे हमारे करने से शरीर के हमारे जितने भी माइग्रेन है, सबसे पहले सिर दर्द जितना भी हो रहा हो, सबसे आधा सीसी का सिर दर्द हो रहा हो, पूरे सिर में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन पेन हो रहा हो, ये सबसे पहला सूक्ष्म लाभ किसी व्यक्ति को अगर हो रहा है अनुलोम विलोम कराना शुरू कर दीजिए। स्वतः 5 या 10 मिनट के अंदर में आराम महसूस हो जाएगा। इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम को ध्यान से रख करके बाएं नाक से सांस लेना है, दाहिने नाक से छोड़ना है, निरंतर अभ्यास को करते रहना है इसको। आंख बंद, ध्यान सांसों के ऊपर एकदम से, हमारी जो दिव्य चेतना है इस प्रकार से सांस के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। बाएं नाक से सांस को लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, पुनः दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ देते हैं। हमारे जितने भी कफ की बीमारी, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी, जितने भी सांस संबंधी जो भी बीमारियां है, ये स्वतः ये हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर में जितने भी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, उसमें ठंडा और गर्म जब बाएं नाक से सांस लेते हैं तो ठंडा वायु प्राण वायु, और जब दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो गर्म प्राण वायु प्रविष्ट होता है और खून के साथ मिलकर के पूरे नस नाड़ियों में क्या संचार होता है। इस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 10 या 15 मिनट तक करवाई करते हैं। ये अभ्यास ये निरंतर अगर 15 मिनट कर सकते हैं अच्छे है, नहीं तो कम से कम 5 मिनट तक एक प्राणायाम करने के बाद में हम सूक्ष्म व्यायाम या कपालभाति प्राणायाम जो बीच बीच में रोक करके कराया जाता है, आपको बताया गया होगा, इस प्रकार से इसको हम कार्रवाई को जारी रहते। बहुत अच्छे बच्चे जो इस तरीके से आंख बंद करके ध्यान से योगमय वातावरण से इस तरीके से काली माई के प्रांगण में जिस प्रकार से माताओं का जो दर्शन हो रहा है, ये बहुत
पुण्य आत्माएं हैं जो कि इस तरीके से जो भी दो चार दस बीस आदमी जो पहुंचे हुए हैं पुण्य आत्माएं हैं, पूर्व जन्म का जो संस्कार है वहां पर लेकर के आती है। अन्यथा बहुत लोग गांव में आदमी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, एक से एक रोगी आदमी है, मगर कोई भी आदमी बताने के बावजूद भी नहीं पहुँच पाए लोग। तो बहुत भाग मनुष्यतन पावा, तो इस प्रकार से जो जिसको भाग्य में होता है, जिसका संसर्ग होता है, ये योगी का जो जो कार्यक्रम चल रहा है बाबा की तरफ से, करें योग रहे निरोग, रोग मुक्त भारत का निर्माण करना है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम इसमें सम्मिलित होकर के इसका लाभ ले रहे हैं, और इस परिणाम को अपने घर में माताओं बहनों को भी जाकर के बताना है और सिखाना है। ठीक है, इस प्रकार से अनुलोम विलोम परिणाम, घर में जाकर के अपने माताओं को, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी का माइग्रेन पेन हो रहा है, किसी का अस्थमा हो रहा है, किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, किसी के सांस में प्रॉब्लम होता है, अनुलोम विलोम परिणाम जाकर के कराने से नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, नाड़ी शोधन परिणाम भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार से अनुलोम विलोम परिणाम को हम करेंगे। हम चाहेंगे प्रभारी जी हाथों का सूक्ष्म व्यायाम भी साथ साथ में करवा लेंगे, पैरों का, कान का। ठीक है, अब इस तरीके से हाथ को निश्चित किया जाए। अब इसको पैर को खोल लेते हैं, पहले 5 या 10 मिनट तक अब पैर खोल कर रहने से क्या है कि झिझनी आ जाता है, इसको हम पैर को खोल लेंगे। इस प्रकार से पैर को ऊपर नीचे हिलाइए थोड़ा सा इसको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे, इस तरह से करें। तो इसको पैर को इस साइड से साइड साइड सांस लेते रहना और छोड़ते रहना, जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं ये प्राण वायु हमारे सांस शरीर से क्या निकल जाता है, हवा तो निकल जाता है, प्राणी तो निकल जाता है, निमृत घोषित हो जाता है। तो कम से कम जितना भी हम एक डेढ़ घंटा यहाँ पर रह रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको उंगली को पैर को आगे दीजिए, इस तरीके सांस को खींचते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, अब ये फील तक ये इस प्रकार से, ये सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को लेते हुए पीछे, बैठ जाइए, बैठ जाइए लाइन में आगे, ये अभी गोल गोल घुमाएंगे, ये चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे कर रहे हैं। इस तरीके से सांस लेते हुए आधा में सांस ले लेंगे, आधा को सांस को छोड़ देंगे, फिर बाएं से दाहिने इस प्रकार से, चलिए अब पैर का झिझनी उस तरीके ठीक हो गया। अब इसको हम पैर को फोल्ड करके फिर बैठ जाते हैं, एक पैर नीचे दूसरा पैर ऊपर, सुखासन में बैठ जाता है। अभी हाथ का एक्सरसाइज करेंगे, हाथ वाला परिणाम करेंगे, ये इस तरीके से कीजिए, ये आगे पीछे, ये बहुत अच्छा हो गया। अभी हाथ को आगे कीजिए इसको, हाँ ये हाथ पहले बोलना है, सांस को प्रक्रिया जो सांस को भूलना नहीं है, जब उंगली को फोल्ड करते हैं तो सांस को छोड़ देना है, जब उंगली सीधा करते हैं सांस को ले लेना, फिर मुट्ठी को बांधना है, मुट्ठी को अंदर, मुट्ठी को टाइट, बहुत अच्छा आप लोगों का, हाँ सांस को लेना है और छोड़ना है इस तरीके से। फिर इसको क्या करते हैं, कलाई को अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है, सांस की प्रक्रिया जारी रहेगा, फिर बाहर से अंदर की तरफ, ये हमारे जितने भी एक कलाई के अंदर में जो दर्द हो जाता है, सिस्टम जाम हो जाता है किसी किसी का, इस प्रकार करने से सूक्ष्म व्यायाम हमारे हाथ के अंदर में कोई भी रोग नहीं होगा। फिर इसको ये बाजू को फोल्ड कीजिए सीधा, बहुत अच्छा, एक लाइन में, हाँ छोटू करो आप भी, हाँ ये पूरा हाथ सीधा करो, ये इस तरीके से हाथ खोल दीजिए, हाँ ये बहुत अच्छा, हाँ ये साइड में, हाँ साइड में कर लीजिए, बहुत अच्छा, सांस को लेते रहना छोड़ते रहना, बहुत, हाँ ये और हाथ को ऊपर, एक साथ तो एक साथ ऊपर उठाना है सभी आदमी ने, हाथ नीचे रखिए इसको, हाँ ये
अब हाथ में यहाँ पर रखिए, अब इस कहनू को आगे से लेकर के पीछे से कार्रवाई करना है इसको। सांस उभरते हुए और फिर वापिस उल्टा, ये प्रक्रिया 3 से 5 बार कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छा। अब इसको हाथ ग्रिप पकड़ लीजिए, इसको इस तरीके से इसको ग्रिप पकड़ करके इसको सिर के पीछे इस तरीके से ले जाना है, दाहिने तरफ खींचिए पूरा सांस को। सांस को लेके छोड़ देना है, रुके रहना है इस तरफ दाहिने तरफ। बहुत अच्छा। अब हाथ को ग्रिप बना लेना है, अब इसको सर पर रखना है, ऊपर दबाइए नीचे की तरफ, सांस लेकर के भर करके ऊपर की तरफ भाई दबाना है, सर से ऊपर की तरफ फैलाना है, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। फिर नेक्स्ट पीछे हाथ से रोक कर रखना है और माथे से पीछे की तरफ ठेलना है, कंपन होगा। फिर ये आगे की तरफ सेम, सांस को छोड़ देना है और फिर दाहिने हाथ को दाहिने कनपट्टी में लगाना है। सेम प्रक्रिया इस तरीके से सिर को दाहिने की तरफ ठेलना है, हाथ से बाएं की तरफ पुश करना है, वाइब्रेशन होगा। तो जितने भी सिर का है जिसमें बेल्ट लगाते हैं, सिर दर्द करता है, कितने आदमी को देखा होगा गले में बेल्ट लगा कर घूमते हैं, इस तरीके से बीमारी नहीं होगा। फिर सिर को सांस को छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे, सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस को लेते हुए ऊपर, फिर दाहिने, सांस को लेते हुए ऊपर, फिर बाएं, फिर ऊपर। अब क्या करेंगे, 2 बार बाएं से दाहिने, सांस को लेते हुए आधा में सांस को ले लिया, आधा में सांस को छोड़ दिया, 2 बार बाहिने से दाहिने से बाएं, 2 बार बाएं से दाहिने, आधे में सांस को लेते हैं, आधे में सांस को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा। अब विचार सामने देखेंगे, अभी ये हुआ सिर के एक्सरसाइज, अभी हम आंखों के लिए, आंख की पुतली के लिए एक्सरसाइज हम करेंगे। इस प्रकार से हम गोल राउंड पूरा आंख